लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर, करप्शन का मामला था नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई, माननीय न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से, अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामना को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका, सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर 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 क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नाजमिन खान। BSP के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जौनपुर की जनता पुकारे धनंजय सिंह को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाना, ये नारे धनंजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले लगाए गए थे। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर की गिरफ्तारी, अपहरण की बात की जाए यानी कि गिरफ्त में लिए गए, यानी कि देखा जाए तो धनंजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, उनके द्वारा यहां पर मैनेजर को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, उसके बाद जबरन पैसों की वसूली की गई, रंगदारी मांगी गई। इस पूरे मामले में धनंजय सिंह का हाथ पाया गया और धनंजय सिंह के इस मामले को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह चक्कर लगाते रहे, लेकिन आखिरकार एक फैसला निकलकर सामने आया कि धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। धनंजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन दोबारा फिर धनंजय सिंह के मामले में सुनवाई हुई, धनंजय सिंह को हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई। राहत ये मिली कि उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन 7 साल की सजा बरकरार रहेगी। लेकिन धनंजय सिंह आज जेल से रिहा होते हुए नजर आए और जैसे ही जेल से रिहा हुए तो बड़ा हुजूम यहां पर उनके स्वागत में नजर आया। धनंजय सिंह बरेली जेल से बाहर निकले और बाहर निकलते ही बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए। धनंजय सिंह ने तमाम अपने समर्थकों का धन्यवाद किया, तमाम जनता का धन्यवाद किया, तमाम उन लोगों का धन्यवाद करते हुए नजर आए जिन्होंने उनका साथ दिया, उनका सहयोग दिया। यहाँ पर धनंजय सिंह ने कहा कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ और मेरी पत्नी BSP के टिकट से जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही और ऐसे में चुनाव जिताने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, यानी कि चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही अब क्या सियासी माहौल गर्माता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा? BSP, SP, BJP क्या कोई रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर BSP जो श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से टिकट दे चुकी हैं उसी में चुनाव प्रचार करते हुए धनंजय सिंह व्यस्त नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।